वो जब हर रोज मिलेगा ना देखने को तो एक दिन से ही मन भर जाएगा। भाई ये माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर शहर में ये स्थित है आमेर का किला। इसको बनने में लगभग 150 साल लगे थे। मजा आ रहा है चढ़ने में। वाओ आमेर किले का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने करवाया था। यार फोटोज अच्छी आएंगी, बस कोई लेने वाला चाहिए ढंग का। ये है आमेर किले का मुख्य द्वार। यहाँ से एंट्री के बाद जस्ट जो जगह आती है उसका नाम है जलेब चौक। जलेब का मतलब होता है परेड या फिर ड्रिल। जब आमेर की सेना युद्ध जीत कर आती थी तो उनका स्वागत यहीं पर होता था और पूरी सेना जलेब चौक पर जश्न मनाती थी। यह है किले का पीछे का भाग। ऊपर पहाड़ियों पर लाल पत्थर से पूरी बाउंड्री बनी हुई है। महल के अंदर वाले भाग में जाने के लिए सिंह पोल गेट से जाना होता है, जहां पर सीढ़ियां थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। एक्चुअली हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस पर चढ़ने के लिए, क्योंकि कभी हमें आदत नहीं है ऐसे रास्तों पे चढ़ने की, और साथ में भाई भी था।
देखो, उसको देखो काम आ गया है। हम आ गए छत पर और वो ऊपर जयगढ़ नजर आ रहा है। मुझे तो एक एक कोने से सुराग निकालना था, ये कहां पर क्या छिपा हुआ है। ये है महल के बीच का आंगन जहां पर महल की रानियां रहा करती थी। और ऐसा बताते हैं कि जब राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे तो इस वाले महल में बैठकर रानियां उनकी राह देखती थी। रान, 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 दाशी, रान, रान, रान।
और ये है उस वक्त के कड़ा जहाँ जिसमें शाही परिवार के लिए खाना बनता था। इवन जोधा अकबर मूवी में जो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया है वो भी यहीं पर शूट हुआ है। आप लोग बाहर ही जा रहे हो ना, सीधे जाने के बजाय अंदर से सीधे जाने के बजाय रानियों की बाजार। मीना बाजार जिसमें महल की रानियों के लिए बाजार लगता था और आज भी इसमें मार्केट लगता है, लेकिन पब्लिक के लिए लगता है, जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए लगता है। और अब हम जहाँ से गए थे हम वहीं पर दोबारा वापस आ गए, यानी जलेब चौक पर। तू इधर आ। सिटी पैलेस की ओर चंद्र महल और 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था अपने रेजिडेंस के लिए। चेंज किया आमेर से जयपुर को, जो फ्लैग लगा है वो जयपुर का फ्लैग है, क्योंकि पांच कलर है इंडिया का जो फ्लैग है उसमें तीन कलर होते हैं। अभी एक फ्लैग लगा हुआ है, जब महाराजा सिटी के अंदर दो फ्लैग लगाए जाते हैं, वो इंडिकेट करता है महाराजा इन एंड आउट के लिए। जयपुर के जो महाराजा है उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह और उनकी एज है 23 साल अभी। नहीं नहीं, पर यहाँ पर तो राजा 2011 में भवानी वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह थे, 2011 में थे उनकी डेथ के बाद में, तभी के राजा कहलाएंगे उनके। उनका भी संतान था, उनका संतान नहीं था, उनका नाती था, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, उसको गोद लेकर के महाराजा बनाया था। तो महल के कुछ पार्ट से म्यूजियम में कन्वर्ट किया, उसका हम विजिट कर रहे हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मुबारक महल अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें अब राजाओं महाराजाओं के वस्त्र म्यूजियम में रखे हुए हैं और रानियों के भी। अभी जिस बिल्डिंग में हम चल रहे हैं मुबारक महल है, 1902 का बना हुआ, महाराजा माधो सिंह जी ने बनाया था। 1959 के बाद में इसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट किया गया है। अंदर
इन्हें घूम के जाने दो। महारानी पैलेस यानी उसमें महल की रानियां रहती थीं, लेकिन अब उसे विपिन्स गैलरी का नाम दे दिया गया है, जिसमें राजाओं के जो भी हथियार थे वो सब इस टाइम म्यूजियम में रखे हुए हैं। पूछ ले, फोटोग्राफी अलाउड है? सवाई राजा माधव सिंह सेकंड, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी नॉर्मल पानी यूज़ नहीं किया, उन्होंने हमेशा गंगा जल का यूज़ किया नहाने के लिए और पीने के लिए भी। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए थे तब उनको इसी घड़े में गंगा जल भरकर शिप के थ्रू इंग्लैंड भिजवाया गया था, जिसको वो पीने के लिए यूज़ करते थे। यहाँ जाओ भाई। हमारा जयपुर व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।